मजाक में उनकी खोपड़ी पर चपत लगाया करते थे। अरे वाह भिक्कू, तुम्हारी खोपड़ी तो बहुत मजबूत है। चाचा, अब जब देखो तब मेरी खोपड़ी पर चपत मारते रहते हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। भिखण जी बार बार मना करते रहे पर चाचा नहीं मानते, तो अंत में उन्होंने अपनी पगड़ी के नीचे नुकीले कांटे छिपा दिए। आदतन चाचा ने चपत लगाई। अरे बाप रे, मर गया। अरे ये खोपड़ी है, ये कांटों का पेड़। उसी दिन से चाचा की चपत लगाने की आदत छूट गई। इसके अतिरिक्त भिखण जी को बचपन से ही दंब और छल से भयंकर चीड़ थी। एक बार यूं हुआ कि गांव में किसी एक व्यक्ति के घर चोरी हुई और उस चोरी का पता लगाने के लिए उस व्यक्ति ने पास वाले गांव से एक अंधे कुम्हार को बुलवाया, जिसके बारे में प्रचलित था कि उसके मुंह से देवता बोलते हैं, जबकि वास्तव में यह अंधा कुम्हार एक नंबर का धूर्त था। चोर की टोह लेने के आशय पर वो धूर्त पहले भिखण जी से मिला और बातचीत शुरू की। भिक्खू, गांव वालों के लिए ये बड़े शर्म की बात है, क्योंकि ये काम गांव के ही किसी आदमी ने किया है। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, मेरा भी यही मानना है। तुम सचमुच बुद्धिशाली हो। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें किस पर शक है? मुझे लगता है ये काम मजने का होना चाहिए। चोर की टोह लेने के बाद दंभी कुम्हार ने गांव वालों को इकट्ठा किया और नाटकीय ढंग से कहने लगा, चोर के बच्चे, तू मुझसे बच नहीं सकता। सारे गहने डाल दे, मैं कहता हूँ चुपचाप गहने निकाल दे, वरना ठीक नहीं होगा। महाराज, लगता है चोर इस तरह नहीं मानेगा, अब तो आप उसका नाम बता दें। चोर मजना है, उसी ने गहने चुराए हैं। ये सुनते ही एक फकीर बिगड़ कर बोला, क्या बकवास करते हो, मजना गहने कैसे चुरा सकता है? मजना तो मेरे बकरे का नाम है। पोल खुलते ही सभी लोग अंधे कुम्हार को कोसने लगे। भिखण जी ने कहा, इसे कोसने का कोई अर्थ नहीं है, भूल तो तुम्हारी है। आंख वाले के घर चोरी होती है और पता लगाने के लिए अंधे को बुलाते हैं। इस प्रकार भिखण जी ने एक अंधविश्वास का अंत किया। ये था उनके समाज सुधार अभियान का पहला चरण। उस समय की सामाजिक प्रथा के अनुसार भिखण जी का विवाह छोटी आयु में ही कर दिया गया। पत्नी का नाम था सुगुणी बाई। संसार की दृष्टि में उनका जीवन संपूर्ण हो चुका था, परंतु ज्ञानी की नजर में वे एक बंधन में बंध चुके थे। वे संसार का भोग अवश्य कर रहे थे, मगर उनका चिंतन उन्हें बार बार विराग की ओर खींच रहा था। भिखण जी अपने विराग के भाव और धर्म की प्यास लेकर घाट घाट भटके, परंतु कहीं भी उनकी प्यास शांत नहीं हुई। अंत में वे स्थानकवासी संप्रदाय की एक शाखा के आचार्य रघुनाथ जी के संपर्क में आए और उनके अनुयायी बने। वैसे तो भिखण जी अपने गृहस्थ जीवन में एक पुत्री के पिता बन चुके थे, मगर समय के साथ साथ वैराग्य की चाह भी उतनी ही बढ़ती जा रही थी। पारिवारिक जिम्मेदारी इस मार्ग की रुकावट थी। हर पल मेरा मन यही कहता है कि मैं साधु बन जाऊं, समता की साधना करूं और शाश्वत सुख प्राप्त करूं। सच कहूं स्वामी, मैं भी यही सोचती रहती हूं कि साधु ही बन जाऊं। संसार का ये सुख तो खोखला है। मगर सुगुणा, हम ये बात माता को कैसे कहें? जानती हो, ये सुनकर उनकी ममता को कितनी ठेस लगेगी। हाँ, सो तो है। और फिर इस विषय पर काफी सोच विचार के बाद वे दोनों इस निर्णय पर पहुंचे। सुनो, ये बात माता को बताने की स्थिति नहीं आती तब तक हम दोनों एकांत तप करेंगे और शील व्रत का पालन करते हुए भाई बहन की तरह रहेंगे। निर्णय के अनुसार भिखण जी और उनकी पत्नी अपना गृहस्थ जीवन
वैरागियों की तरह बिताने लगे, मगर प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। एकाएक भीखण जी की पत्नी का देहांत हो गया। पत्नी की आकस्मिक मृत्यु ने उनके चिंतन में हलचल मचा दी। छोड़ न कल पर कर्म को, पूरा कर ले आज, क्या जाने कब भेज दे आमंत्रण यमराज। भीखण जी ने दीक्षा लेने का निर्णय तो कर लिया, पर सामने प्रश्न यह आया कि साधु बनने के बाद मैं अचित किया हुआ जल पीने के नियम को निभा पाऊंगा या नहीं। और फिर खुद को जांचने के लिए उन्होंने कैरों के कड़वे ओसावन को तांबे के एक बर्तन में डाला, उसमें थोड़ी सी राख भी डाली, फिर उस बर्तन को मटकियों के जेट में रख दिया और फिर बाद में उस नीरस और स्वादहीन पानी को बड़ी समता के साथ पी गए। दीक्षा के 43 वर्ष बाद जब भीखण जी आचार्य भिक्षु बन चुके थे,